Hello students, I am Deepak sir from New Catholic Mission School Jhabwa. Today I am here to teach you the subject social studies. So without wasting much time, let us start our first lesson. Our first lesson name is globes and maps. What is a globe and what is a map? A globe is a model of the earth, and a map is a drawing of the earth's surface. Means जो ग्लोब होता है वो अर्थ का मॉडल होता है. जैसी अर्थ दिखती है सेम टू सेम वैसे ही ग्लोब दिखता है उसकी छोटी साइज का. मैप जो होता है अर्थ की जो सरफेस है सबसे ऊपर की परत होती है उसका ये ड्राइंग होता है, तो इसे मैप और ग्लोब कहते हैं. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट. नाउ लेट अस नो अबाउट ग्लोब. अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि अर्थ जो ग्लोब होता है वह अर्थ के मॉडल होता है. जैसे कि एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन अ पिक्चर ऑफ द अर्थ ओवर हियर एंड अ पिक्चर ऑफ द ग्लोब ओवर हियर. दोनों दिखने में सेम होते हैं, पर जैसे कि अर्थ रियली में बहुत बड़ी होती है, पर एक्चुअल में ग्लोब को क्या करा गया है उसी की साइज का छोटी साइज बना दी गई है. जैसी अर्थ दिखती है वैसा ही ग्लोब दिखता है, तो ये इसीलिए इसको अ ग्लोब इज मॉडल ऑफ द अर्थ कहा जाता है. इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ. ये जो अर्थ पे वाटर और लैंड को अलग अलग डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हमें बताता है इसके लोकेशन. जहाँ पे भी ब्लू दिख रहा है ये वाटर है, जहां पे भी ग्रीन एंड कलर्स यूज हो रहे हैं वो लैंड वाला पोर्शन. नाउ एंड द करेक्ट शेप एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन. और जैसा करेक्ट अर्थ पे उसका शेप और लोकेशन है वैसा ही ग्लोब पे हमको बताता है, ताकि उससे हमें उसके बारे में डिटेल में स्टडी करने में इजी रहे. अ ग्लोब इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. जैसे कि ग्लोब का यूज क्यों करते हैं? ग्लोब का यूज इसलिए करते हैं ताकि अर्थ की पूरी जानकारी अच्छी तरीके से हम स्टडी कर सके. अ ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन एक्सेल सो दैट इट कैन स्पिन. सो हियर जैसे कि ग्लोब को जो ये दो पॉइंट्स दिख रहे हैं इसे कहते हैं एक्सेल. अब रियली में जो अर्थ है वो ग्रेविटी के कारण ऑटोमेटिक स्पिन होती है, लेकिन ग्लोब है अभी इसको स्पिन करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए कनेक्ट करने के लिए, तो इसे एक्सेल से कनेक्ट कर दिया ताकि एग्जैक्ट एज अर्थ मूव्स एग्जैक्ट ग्लोब कैन मूव, इसीलिए एक्सेल्स का यूज किया गया है. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट. सम डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब. डिसएडवांटेजेस मतलब जिसके कुछ पॉइंट्स जो काम वो जो हेल्प में नहीं लिए जा सकते, जैसे लाभ नहीं मिल सकते जिसके, जैसे कि वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम. हम क्या कर सकते हैं, ग्लोब जो होता है ग्लोब की एक साइड ही एक टाइम पर देख पाते हैं. अगर दूसरी साइड देखनी है तो हमें ग्लोब को स्पिन करना पड़ेगा या तो फिर ग्लोब की दूसरी साइड जाके देखना पड़ेगा. तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि हम ग्लोब की एक साइड ही एक बार में देख सकते हैं, दूसरी साइड को देखने के लिए उसको टर्न करना पड़ेगा या उसकी साइड जाना पड़ेगा. अ ग्लोब डज नॉट शो अस द डिटेल्स ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज. जो ग्लोब्स होते हैं उसमें हम स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स की डिटेल्स में स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो साइज में छोटा होता है. इसके लिए ग्लोब में स्टडी करने में वो डिफिकल्ट होता है. बिगर ग्लोब्स आर मोर डिटेल्ड देन स्मॉलर वंस. जो बड़े ग्लोब्स होते हैं साइज में वो ज्यादा डिटेल होते हैं, बट दे आर बिग एंड बुकी. बुकी मीन्स हैवी एंड आर डिफिकल्ट टू कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. पर जो बड़े ग्लोब्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा हैवी होते हैं. जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं बड़ा ग्लोब है, एक ह्यूमन बींग उसको कैरी कर रहा है, पर वो बहुत बड़ा है तो उसको हैवी भी लग रहा है और उसको कैरी करने के लिए डिफिकल्ट पड़ रहा है. तो इसीलिए जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको प्लेस टू प्लेस ले जाने के लिए डिफिकल्ट होता है. सो
These are some disadvantages of a globe. Now let's go to the next map. What is a map? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले, a globe is a drawing of the earth's surface, जो अर्थ की ऊपर की सतह होती है, सबसे ऊपर वाली, उसकी ड्रॉइंग होती है. As we can see a map over here on the screen. Maps are more useful when we want to study only a section of the earth or a specific country. Maps का use हम किसी भी country या फिर किसी भी section, कोई सा भी part या country, किसी को भी detail में study करना हो तो map का use उसके लिए किया जाता है. Maps में easily उसके बारे में study कर सकते हैं. Maps are more detailed and help us to study smaller areas better. मैप्स में हम छोटे छोटे एरियाज भी स्टडी कर सकते हैं, जैसा कि हम ग्लोब में वो स्मॉलर एरियाज स्टडी नहीं कर पा रहे थे, पर मैप में हम वो इजीली कर सकते हैं. देयर आर वर्ल्ड मैप्स एज वेल एज मैप्स दैट शोज एन एंटायर कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ स्टेट, अ सिटी, अ टाउन, इवन स्मॉलर एरियाज. मैप्स में क्या होता है कि हमें अलग अलग टाइप्स के मैप्स मिल जाते हैं, जिसमें हमें, जैसे ग्लोब में क्या होता है, ओनली अर्थ का मॉडल होता है, पूरी अर्थ का, पर मैप्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमें अलग अलग टाइप्स के मैप्स मिल जाते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट का, कंट्री का, स्टेट का, सिटी का, टाउन का, एंड उससे भी छोटे छोटे जो भी एरियाज है उनके सारे मैप्स अवेलेबल होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर पुट टूगेदर इन एन एटलस. Now here, what is an atlas? An atlas is a book that contains different kinds of map. एक atlas एक book है जिसके अंदर अलग अलग types के maps होते हैं, जैसे कि यहाँ पे continents, countries, state, city and even smaller areas जो बता रखा है, उसी type के हर एक type के maps atlas में available होते हैं. Now, next, types of maps. Maps के क्या क्या types होते हैं? There are three types of maps. First one, physical maps. Physical maps shows natural features of the earth such as mountains, plateaus, plains, rivers, ocean and other landform and water bodies. So, जो physical maps होते हैं, physical maps में हम only जैसे कि mountains है, plateaus है, plains है, rivers है, oceans है, landform, जो अलग अलग अर्थ के पार्ट्स होते हैं, बॉडीज होती है, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं. नाउ सेकेंड वन, पॉलिटिकल मैप्स. पॉलिटिकल मैप्स सो सिटीज, टाउन एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज. अभी जो पॉलिटिकल मैप्स होते हैं उसमें हम सिटी, टाउन, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज, जो सिटीज होती है, जो टाउन होते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं. हर मैप्स के टाइप्स जो होते हैं उसमें अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें अलग अलग टाइप की स्टडी कर सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के मैप्स अवेलेबल हो जाते हैं. जैसे कि इस मैप में हम स्टेट्स के देख रहे हैं, तो हर स्टेट के बारे में हमें नॉलेज मिल सकता है. नाउ थेमेटिक मैप्स. थेमेटिक मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड मेनी मोर. जो थेमेटिक मैप्स होते हैं वो हमें काय के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, रोड मैप्स, रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड मेनी मोर. जो जैसे कि हम रोड का पता करना है कि रोड कौन सी डिस्टेंस से कहाँ तक जा रहा, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. रेनफॉल, किस एरिया में कितनी ज़्यादा रेनफॉल होती है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, वो कहाँ पे अवेलेबल, किस एरिया में ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, उसके बारे में इसमें स्टडी कर सकते हैं. इंडस्ट्रीज में हम अलग अलग टाइप की फैक्ट्रीज और उनके बारे में स्टडीज कर सकते हैं. मिनरल्स एंड मेनी मोर्स, मिनरल्स में किस एरिया में कहाँ पे ज़्यादा वो ऑयल्स अवेलेबल है, अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स कहाँ पे अवेलेबल है, उसके बारे में इस मैप्स में हम स्टडी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. अब कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप्स क्या है? Every maps has a few specific components, namely scale, direction, sign and symbols and colors. ये
मैप के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्केल, एज वी कैन सी अ मैप विद द स्केल, डायरेक्शन, यह आर द फोर मेन डायरेक्शंस, यह साइन एंड सिंबल्स, एंड अ मैप विच इज यूज्ड विद मेनी कलर्स. नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप. स्केल, फर्स्ट वन स्केल. स्केल मैप्स आर द रिड्यूस्ड ड्रॉइंग दैट रिप्रेजेंट द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर. जो मैप्स होते हैं, मैप्स में रियली में एज वी कैन सी द मैप ऑफ इंडिया. जो इंडिया जो है एक कंट्री है, और इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. अब बहुत बड़ी कंट्री का रियल में उसका एग्जैक्ट अपन ड्रॉइंग तो कर नहीं सकते हैं, तो उसी का स्मॉल साइज करके, स्केल ड्रॉ करके, और उसी की स्मॉल पेपर पे उसको ड्रॉ कर देते हैं, ताकि हम एग्जैक्ट स्मॉल स्केल से उसकी इंफॉर्मेशन ले सकें और उसके बारे में स्टडी कर सकें. इन ऑर्डर टू अकोमोडेट द एंटायर वर्ल्ड और अ कंट्री ऑन अ पेपर, इट हैज टू बी ड्रॉन ऑन अ रिड्यूस्ड स्केल. जो भी अभी इन ऑर्डर टू अकोमोडेट, अकोमोडेट मीन्स टू एडजस्ट द एंटायर वर्ल्ड और अ कंट्री ऑन पेपर. अगर कोई सी भी कंट्री या किसी भी चीज का अपने को पेपर पे एडजस्ट करना है, तो वो स्केल की हेल्प से छोटी साइज में पेपर पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं. इट हैज टू बी ड्रॉन ऑन अ रिड्यूस्ड स्केल. रिड्यूस्ड मीन्स छोटी स्केल्स में उसको हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं. इफ यू नो द स्केल्स, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप. जैसे कि अगर आपको स्केल्स रीड करते आती है, तो आप कोई सी भी प्लेस और कोई सी भी स्टेट, कंट्री या उसके बारे में इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं. कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज आर शोन ऑन स्मॉल स्केल्स. जो कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज जो होते हैं, उनको स्मॉल स्केल्स में स्टडी करते हैं. एंड सिटीज एंड टाउन्स आर ड्रोन ऑन लार्ज स्केल. जो सिटी एंड टाउन्स होते हैं, उनको लार्ज स्केल में स्टडी करते हैं, ताकि उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके. लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैट स्मॉल स्केल्स मैप्स. मीन्स जो लार्ज स्केल मैप्स होती है, वो स्मॉल स्केल मैप्स से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है. नेक्स्ट, डायरेक्शंस. नाउ व्हाट आर द डायरेक्शंस. डायरेक्शंस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ मैप. ये मैप का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. इसकी हेल्प से हमें उसकी साइड पता चलती है कि एग्जैक्ट कौन सी साइड में यह प्लेस या कोई सी भी कंट्री अवेलेबल है. इन मोस्ट मैप्स यू विल फाइंड एन एरो मार्क विद द लेटर एन इन द अपर राइट हैंड. सो यह जैसे कि हम देख सकते हैं, अपर हैंड यहाँ पे एन हमको शो किया गया है, जो इंडिकेटिंग द नॉर्थन डायरेक्शन. जो कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है? नॉर्थन डायरेक्शन. इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन. दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन. इट इज प्रोवाइडेड बिकॉज वेन वन नोज द नॉर्थ डायरेक्शन, द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन कैन बी फाउंड इजिली. अगर किसी को नॉर्थ डायरेक्शन पता है, तो वो इजिली और जो अदर्स डायरेक्शन है उसके बारे में इजिली पता कर सकता है. जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, द मेन फोर डायरेक्शंस. नाउ नेक्स्ट, देर आर द फोर डायरेक्शन, द मेन फोर डायरेक्शंस विच आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दीज डायरेक्शंस आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस. मीन्स द फोर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन. दिस आर द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नाउ देर आर फोर इंटरमीडिएट डायरेक्शन. इंटरमीडिएट डायरेक्शन मीन्स द डायरेक्शन विच इज इंटरिंग इन द मिड ऑफ नॉर्थ एंड ईस्ट. सी हियर इट इज इंटरिंग बिटवीन बोथ द डायरेक्शन, सो इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन. नाउ फर्स्ट वन नॉर्थ ईस्ट, हियर वी कैन सी नॉर्थ ईस्ट. सेकेंड वन साउथ ईस्ट, थर्ड वन साउथ वेस्ट, एंड फोर्थ वन नॉर्थ वेस्ट. दिस फोर डायरेक्शंस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. वी कैन लोकेट प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती है, उसके हेल्प से हम कोई सी भी प्लेस को इजीली लोकेट
लोकेट कर सकते हैं. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट, साइन एंड सिंबल्स. साइन एंड सिंबल्स मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ सिंबल. मैप्स में हमेशा सिंबल अवेलेबल होते हैं जिससे सिंबल्स के अकॉर्डिंग हमको उसको रीड करने में इजी होता है. देर इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूजेस ऑफ दिस सिंबल्स. जो इनको यूज करने के लिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग दिस यूजेस ऑफ दिस सिंबल यूज किया गया है. जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं मोस्ट चर्च, चाइनीज टेम्पल, मोस्ट टेम्पल, स्कूल एक्सेट्रा, दिस आर कॉल्ड सिंबल्स जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट रिगार्डिंग किया गया है जिसके लिए जिसका यूज हम मैप पे ये स्पेसिफिक करता है कि चर्च कहाँ पे है, कोई सा टेम्पल कहाँ पे है, ऑल दिस. दिस आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल. ये अपने को इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल जिसके अकॉर्डिंग हम इसके बारे में पता कर सकते हैं. दिस सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस. जो ये सिंबल्स होते हैं ये छोटी सी साइज के होते हैं और छोटे से स्पेस में ये अपने को बहुत सारी उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं. विद द यूज ऑफ दिस सिंबल्स मैप्स कैन बी रीड इजिली. इन सिंबल्स का यूज करके कोई से भी मैप को हम इजिली रीड कर सकते हैं. इन अ मैप वी ऑफन फाइंड अ टेबल दैट लिस्ट द सिंबल्स यूज विद द मैप एंड वॉट दे स्टैंड फॉर. एज वी कैन सी अ टेबल ओवर हियर. जैसे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के सिंबल्स बना रखे हैं तो ये हर टाइप के सिंबल्स अलग अलग चीज को इंडिकेट करते हैं ताकि उसके बारे में हमें स्टडी करने में इजी रहे. दिस इज कॉल्ड अ लेजेंड और अ की. इनको क्या बोलते हैं, लेजेंड एंड कीज. नाउ नेक्स्ट, कलर्स. जनरली ऑल मैप्स यूज अ स्टैंडर्ड कलर्स स्कीम टू डिपिक्ट वेरियस लैंडफॉर्म एंड एल्टीट्यूड इन मैप्स. जो कलर्स होते हैं अलग अलग कलर्स अलग अलग चीजों को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉडीज आर ऑलवेज शोन इन ब्लू. जो वाटर बॉडीज होती है उसको हमेशा इंडिकेट करने के लिए ब्लू कलर का यूज करा जाता है. सिमिलरली ब्राउन इज यूज टू शो हिल्स एंड माउंटेनियस रीजन. जो ब्राउन कलर होता है वो हमेशा माउंटेन्स एंड हिली एरिया को इंडिकेट करता है. इसके लिए हमेशा इनका एक कलर ब्राउन होता है. नाउ नेक्स्ट, सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. द ग्लोब इज एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ. जैसा कि मैंने ग्लोब की डेफिनेशन दी थी कि मॉडल, ये ग्लोब क्या है, वो अर्थ के एग्जैक्ट मॉडल होता है. जैसी अर्थ होती है वैसे ही ग्लोब होता है पर वो साइज में स्मॉल होता है. अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस. और मैप क्या होता है, मैप जो अर्थ की सरफेस होती है जो ऊपर की परत होती है उसका ड्रॉइंग होती है. थर्ड वन, मैप्स आर ब्रॉडली ऑफ थ्री काइंड्स. मैप्स थ्री काइंड्स के होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थेमेटिक, जिसके बारे में हमने पहले स्टडी करी थी. ऑल मैप्स हैव फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स. मैप्स के फोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, स्केल, डायरेक्शन, साइन एंड सिंबल्स एंड कलर्स. इन ये मैप्स को रीड करने की लैंग्वेज होती है जिससे हम इजीली कोई से भी मैप को रीड कर सकते हैं. सो दिस पॉइंट्स वी हैव टू रिमेंबर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर. देर आर ब्लैंक टाइप्स ऑफ मैप्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर. अ ग्लोब इज माउंटेड ऑन एन ब्लैंक. वेयर डू वी माउंट एन एक्स सॉरी where do we a globe is mounted on blank. Where do we mount a globe? A globe is mounted on axle. East, west, south and north are called the blank direction. East, west and north, these are the main direction. So we call it cardinal. So it is called cardinal direction. थर्ड वन, ब्लैंक स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन. विच काइंड ऑफ स्केल गिवस अस मोर इन्फॉर्मेशन. सो लार्ज स्केल मैप्स गिवस अस मोर इन्फॉर्मेशन. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स हेल्प अस टू रीड मैप्स एक्यूरेटली. यस इट इज ट्रू बिकॉज कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल एग्जैक्ट उसके साइन एंड सिंबल किसी चीज के अपने को पता है तो उसके बारे में हमें उसकी एक्यूरेट स्टडी करने में
इजी होता है. सेकेंड वन, अ मैप इज एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ एंड हैज द सेम शेप एज दैट ऑफ द अर्थ, सो इट इज फॉल्स. Why? Because a map is not an exact model of the earth. Because a globe is an exact model of the earth. So it is false. Third one, there are 5 intermediate directions. No, there are only 4 intermediate directions. Maps should not be scaled. If map is not scaled, then we won't be able to study it. So it should be scaled. So it is false. Now answer these questions in brief. What are the components of a map? So as I told you, there are four components of the map, which are scale, direction, sign and symbol, and colors. Next, what do you understand by cardinal directions? As I said, there are four cardinal directions, which are the cardinal directions means the direction which are north, south, west and east. And now next, name the cardinal and intermediate directions. Now here the cardinal direction, north, south, west and east, intermediate direction, northwest, northeast, southwest, east, sorry, southeast. These are four intermediate direction. Next, what is an atlas? As I said, an atlas is a book that contains different kinds of map. Atlas mein alag alag kinds ke maps hote hain. Thank you. Have a nice day.